ये तुम्हारे दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एसी और डीसी। एसी में क्या हो रहा है, +220 है, और डीसी में -220 है। और डीसी में या तो +5 और 220 होगा, या कहीं पर कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो -5, कोई भी एक करंट होगा। हाँ, ये हमारा क्या है, जीरो है। या तो प्लस या तो माइनस, मतलब कोई भी करंट इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्लस और माइनस हो रहा है, अल्टरनेट जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को पास करना, तो एसी करंट हमेशा कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस या माइनस। तो डीसी में हमेशा या तो प्लस तो प्लस या तो माइनस तो माइनस। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डिवाइस हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में क्या होता है, वन साइड बी वन साइड नो वैल्यू, वो डायोड है। कैपेसिटर में क्या होगा, कोई भी प्लस तो प्लस पास नहीं करने देगा, प्लस और माइनस होगा तभी पास करने है। मतलब उसमें से कौन सा करंट पास करेगा, ये कैपेसिटर में से एसी, एसी क्योंकि एसी में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है। ये जो प्लस और माइनस का सीक्वेंस होगा वही आपका कैपेसिटर में से पास होगा। और प्योर डीसी मतलब +5 तो +5 ही होना चाहिए, जितने उसमें रिक्वायरमेंट। ना भी कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। अगर कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, उसको फिल्टरेशन करने के लिए क्या लगाया जाता है, बाईपास कैपेसिटर लगाया जाता है। तो एसी करंट और डीसी करंट, ओके, ये दो करंट इम्पोर्टेंट है। ओके, दूसरा हमने अभी चेक करा था, याद रखना एसी करंट हमेशा अल्टरनेटिव में होता है डीसी, और एक होता है वर्चुअल डीसी। वो कैसा हो रहा है वो भी देख लेते हैं। ये हमारा जीरो वेव है, और एक एनालॉग का डिजिटल सिग्नल कैसा होगा, इस तरह होगा। इस तरह होगा। ये कौन सा करंट हुआ, एसी के डीसी, भी तो इसी आ रहा है। जीरो में नहीं जा रहा है, जीरो के नीचे नहीं जा रहा है, माइनस में नहीं जा रहा है, डीसी ही है, लेकिन क्या है ये डिजिटल डीसी वेव। मतलब यहाँ पर आपका हाई और वन है, ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, वन है, ये जीरो है, इस तरह कोई भी एक वैल्यू होगी, इसको बोलते हैं डिजिटल। ये डीसी है वेव्स, लेकिन डीसी को एसी में रिप्रेजेंट करा है, बराबर सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पर 10 10 10 इस तरह चलेगा, माइनस नहीं है। दूसरा वेव्स ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कभी कभी, क्या मिलेगा आपका, ये जीरो है, और यहाँ पर सिग्नल कैसा रहेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा, सपोज इस तरह भी रहेगा। इस तरह भी साइकिल चलेगा, मतलब आपको यही दिखेगा, ये कोयल के बाद ऐसा सिग्नल होगा। ये भी नेगेटिव में नहीं जा रहा है, प्लस तो प्लस ही जा रहा है, लेकिन जब ऐसा सिग्नल हो रहा है वेव्स टाइप, तो यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स लगाएंगे, जिससे जब चार्ज हो रहा है तो वो चार्ज होगा, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर इसको करंट देगा, तो चार्ज डिस्चार्ज इस तरह होगा। ये हम लोग फर्दर देखेंगे आगे। ये तीन चार व्यूज हैं अलग अलग। हाँ, अभी क्लॉक क्रिस्टल, क्लॉक फ्रीक्वेंसी का कैसा व्यूज देखेंगे, इसी तरह देखेंगे आपको, आठ फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो इस तरह। यहाँ जीरो होगा और यह प्लस माइनस वेव्स चलती रहेगी, ये क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होगी, इसी तरह एसी टाइप क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी। क्लॉक की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, एसी टाइप, लेकिन इसका पीक, इसका ड्यूरेशन, इसके पर सेकंड कितनी साइकिल चलना, वो सब हम लोग सीआरओ से चेक करेंगे। एक डीसी, एक एसी, एक क्या है, डिजिटल डिजिटल सिग्नल, हाईलो हाईलो हाईलो, किसी का ज़्यादा टाइमिंग, किसी का कम टाइमिंग, किसी का ऐसा टाइमिंग होगा, किसी में ये ज़्यादा चलेगा ग्राउंड, किसी में ये हाई इतना चलेगा, इस तरह भी हो सकता है। वो टाइमिंग के हिसाब से चलता रहेगा, कैसा भी वेव्स होगा, हाई लो हाई लो, कभी सिग्नल आया तो हाई लो हाई लो हाई लो, ऐसा चलता रहे, ठीक है। ये हमारा क्या है, अब टाइप्स ऑफ सर्किट हमने देखी थी। हाँ, कितने टाइप्स की सर्किट आती है, एक तो क्या आती है, ओके सर्किट। ओके में क्या होगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इस प्लस में एक लैंप लगाओ या कुछ भी लगाओ। हाँ, और यहाँ से रिटर्न आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ओके सर्किट। हाँ, यहाँ पर 9 वॉट की बैटरी लगाई है, यहाँ पर लैंप लगाया या रेसिस्टर लगाया या लैंप लगाया, जो भी लगाया हो। अगर लैंप लगाया होगा तो क्या होगा, लैंप लो होगा और सर्किट ओके होगा। यहाँ पर अगर सपोज 300 ओम्स है, इसका वैल्यू कितना है, 300 ओम्स है,
यहाँ अगर मैं मल्टीमीटर लगाऊंगा पॉइंट, तो कितना ओम्स बताएगा रेस कंटिन्यूटी में? इसमें अगर कोल्ड टेस्टिंग करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 300 ओम्स बताएगा। हाँ, यहाँ क्या बताएगा कोल्ड टेस्टिंग में? 300 ओम्स, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस कितना है? 300 ओम्स। ठीक है, अगर कोल्ड टेस्टिंग में 100 दिखा रहा है, मतलब 000 दिखा रहा है, इसका मतलब खराब है। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर कोल्ड टेस्टिंग में 300 ओम्स दिखाएगा वैल्यू। ओके, और जब हम करंट देंगे तो यहाँ से करंट ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? तो वो उसका क्या रूल्स है, ओम्स लॉ, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओम्स लॉ में यहाँ पर अगर 9 वोल्ट है तो यहाँ पर कितना फ्लो होगा करंट, वो सब हम लोग सर्किट में देखेंगे। ठीक है, ये ओम्स लॉ इस हिसाब से इसका चलेगा, ये हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। सेकेंड थिंग हमारा है, सेकेंड ऑप्शन न्यू है, लेकिन यहाँ एक वायर कट गया है, एक एग्जाम्पल ब्रोकन है, तो क्या होगा? लैंप चालू होगा? नहीं। अब मैं यहाँ मल्टीमीटर रख के चेक करूंगा कोल्ड टेस्टिंग में, तो क्या बताएगा, क्या वैल्यू बताएगा यहाँ? 9 वोल्ट। क्यों? वायर कटा हुआ है। हाँ, 9 वैल्यू बताएगा। इसको क्या बोलेंगे, सर्किट कौन से सर्किट है? इस सर्किट को क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट, मतलब लाइन ट्रैक ओपन है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ लाइन चेक करेंगे, लाइन नहीं आ रही तो जंपर मार देंगे, यहाँ से यहाँ नहीं आ रही, जहाँ से जो नहीं आ रही उसके हिसाब से जंपर मारें। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, एक और सर्किट है, ओके, ये वायर यहाँ से यू मिल गया, क्या होगा? नॉर्मल है। क्यों? करंट यहाँ से जाने के बदले यहाँ से जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये लोड इसके साथ डिवाइड हो गया तो क्या होगा? शॉर्ट होगा। क्यों? पूरा के पूरा लोड रिटर्न आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट। हाँ, कोल्ड टेस्ट करेंगे तो क्या वैल्यू बताएगा? 000, इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट किसको बोलेंगे? तो कभी भी कोई भी चीज सर्किट है, जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल में भी क्या होगा हमारा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। प्लस क्या होगा? एक प्लस और एक माइनस होता है मोबाइल की सर्किट के अंदर। ठीक है, ये प्लस में क्या होगा, प्लस में पहले यहाँ पर क्या दिया होगा? फ्यूज दिया होगा, एग्जाम्पल। प्लस यहाँ से एक पहले फ्यूज दिया होगा, फ्यूज का सिंबल ऐसा हो जाएगा। फिर फ्यूज के बाद शायद एक कोयल दे दी होगी। हाँ, कोयल दे दी होगी। कोयल के बाद फिर यहाँ से और कुछ कंपोनेंट दे दे के, हाँ, यहाँ के आगे एक पावर आईसी होगी, यहाँ एक कैपेसिटर होंगे, ऐसे यहाँ भी एक कैपेसिटर होंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर हो सकते हैं, और ये जो ग्राउंड है वो किसके साथ मिले होंगे? ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। ठीक है, अब अभी सपोज ये फ्यूज उड़ गया तो क्या होगा? और ये ग्राउंड यहाँ भी इसके साथ भी लगा हुआ होगा। हाँ, ग्राउंड इसको भी जाएगा, ये एक लूप हो गया। हाँ, अगर मैं डायोड में वैल्यू चेक करूँगा तो क्या बताएगा यहाँ पर? अगर मैं यहाँ प्लस रखूँगा मल्टीमीटर का और माइनस रखूँगा, क्या होगा? 9 वैल्यू दिखाएगा। अगर यहाँ माइनस या प्लस रखूँगा तो क्या बताएगा? 300 to 700 वैल्यू आया। इसका मतलब हम क्या समझेंगे? ओके ओके, थर्ड ऑप्शन, अगर ये डैमेज हो गया या ये डैमेज हो गया, क्या होगा? सर्किट क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। डैमेज मतलब खुल गया, हाँ, ओपन हो गया, तो क्या होगा? क्या होगा? करंट अंदर ही नहीं जाएगा, एक लूप बैक नहीं आएगा, ये वैल्यू नहीं बताएगा, मतलब ओपन वैल्यू। तीसरी चीज, अगर ये शॉर्ट हो गया, हाँ, ये शॉर्ट हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको? शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ मिल जा रहा है डायरेक्ट। ठीक है, एक ओपन, एक शॉर्ट और एक ओके कर। अगर ये ओपन है तो चालू हो सकेगा? नहीं। अगर ये शॉर्ट है तो क्या होगा? यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है, एक एग्जांपल 3.6 वोल्ट आ रहा है, ये 3.6 वोल्ट किसके साथ मिल जा रहा है? ग्राउंड के साथ, तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो मोबाइल चालू होगा? नहीं। जब तक कि ओके कंडीशन नहीं है वहाँ तक मोबाइल स्टार्ट नहीं होगा, ये चीज़ रूल याद रख। तो हमको क्या ढूंढना है? पहले सर्किट ओके है, क्लोज है, शॉर्ट है,
कोई भी सर्किट, एक स्विच, एक लैंप ले लो या कोई भी चीज ले लो, ये चीज पहला इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले हमको ऑफलाइन के साथ चेक करना है, मल्टीमीटर लगा के सर्किट देख लेनी है, सर्किट ओके है, शॉर्ट है कि ओपन है। ओके है तभी आगे बढ़ना है, शॉर्ट है या ओपन है तो पहले उसको ढूंढना है, क्यों शॉर्ट है, कहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, कहाँ पर ओपन है। कभी आईसी की वजह से भी शॉर्ट होती है, आईसी के अंदर भी ये दो मिल जा रहा है, ये सपोज ये अंदर आ रहा है और ये भी अंदर आ रहा है, तो ये भी शॉर्ट होने की वजह से मिल जाता है, तो आईसी भी डैमेज होती है। पहले छोटे छोटे कंपोनेंट के बाद बड़ी आईसी तक जाना है। ठीक है, तो शॉर्ट, ओपन और क्लोज, क्लियर है। सीरीज किसको बोलते हैं, सीरीज इसको सीरीज बोलते हैं, एक लैंप, दो रेसिस्टर, तीन रेसिस्टर और यहाँ से प्लस और माइनस, इसको क्या बोलेंगे, सीरीज। और पैरेलल किसको बोलेंगे, जो पैरेलल यहाँ से लाइन जा रही है, एक कंपोनेंट लगाया है रेसिस्टर, दूसरा लगाया है, तीसरा लगाया और तीसरा क्या, ग्राउंड है, हाँ ये ग्राउंड है, सपोज यू या प्लस या माइनस, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। इसका रूल क्या है, अगर ये आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, इसका रूल क्या है, आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरह इसका रूल है। इसका रूल ये, सपोज एक 10 का है, एक 100 का है, एक 50 का है, नहीं एक 10 का है, तो कितना वैल्यू हुआ, 160। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, वन अपॉन आर वन आर टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू वन अपॉन आर थ्री, इस तरह से कैलकुलेशन। सपोज ये 10 10 10 ओम है तो क्या हुआ, कितना ओम्स का हुआ, 1.3। अप्रोक्सीमेटली इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैलकुलेटर, मैं जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, पैरेलल कनेक्शन में डिवाइड होगा और यहाँ पर प्लस होगा, प्लस में। ठीक है, कभी कभी कंबाइंड सर्किट भी होती है, कभी कभी कंबाइंड सर्किट होती है, वो कैसी होगी, न्यू दिया है, हाँ न्यू दिया है, न्यू दिया है, न्यू दिया है, ये कैसी सर्किट हुई, कंबाइंड, कंबाइंड मतलब ये दो पैरेलल में भी सीरीज, दो सीरीज है उसमें ये पैरेलल है, या यू भी दिया हो, ये क्या है, ये सीरीज है, लेकिन इसका पहले कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू देखनी है, दोनों की प्लस करनी है तो वो एक एक लाइन हो गई, फिर दोनों पैरेलल का प्लस करना है तो इस हिसाब से उसका कनेक्शन होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली समझ लो ये 10 ओम्स है, ये 10 ओम्स है, ये 10 ओम्स है, और ये 10 ओम्स है, ये 10 ओम्स, ये 10 ओम, कितना होगा, 10 10 पैरेलल सीरीज में, ये 2 10 है, इसको पैरेलल में लगाया, ये 10 10 क्या हुआ, 20, ये क्या हुआ, 20, 20 को 2 डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, एवरेज 10 का हुआ ये, और यहाँ पर 10 10 10 3 10 मतलब 30 ओम्स का हुआ, ऐसे मतलब कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे, तो इस तरह इसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोनेंट क्या यूज होता है हमारा, रेसिस्टर, रेसिस्टर का कलर कोड देख लिया आपने, उसका कैलकुलेशन देख लिया, हाँ रेसिस्टर क्या काम करते हैं, उसके वैल्यू के हिसाब से, सपोज यहाँ पर से पानी का फ्लो डालना है, 1 2 3 4 इस तरह जा रहा है, और ये अंदर से सब प्रेशर दिया हुआ होता है, उसकी वैल्यू, अब क्या होगा, ये यहाँ से नहीं जा पाएगा, ये जा पाएगा, ये जा पाएगा, ये भी नहीं जा पाएगा, तब ये कितना हुआ, यहाँ पर 4 थे तो यहाँ कितना हुआ, 2। एक तो एवरेज बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से अगर 0 ओम्स का है तो पूरा का पूरा पास होगा, कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा, न 100 ओम्स, 1K, 10K, उसके हिसाब से उसका रेसिस्टेंस होगा, तो कैलकुलेशन कितना करना है वो मैं बताता हूँ। तो रेसिस्टर्स आपने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, रेसिस्टर उसमें ओल्ड मॉडल में क्या आता था, कलर कोड आता था, 1 2 3 इस तरह कलर कोड आता था, हाँ एक जो होता था उसकी वैल्यू एज इट इज लिखते थे, दूसरा ये नंबर ऑफ जीरोस आ जाता है, ओके इसकी वैल्यू एज इट इज आ जाती थी और इसकी वैल्यू, ठीक है ये यहाँ पर आते थे। अभी हमारे जो रेसिस्टर्स आ रहे हैं वो कैसे आते थे, ये डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ होगा, हाँ
अगर नंबर नहीं होगा तो कहीं पर सिर्फ वैल्यू लिखी होगी या खाली कंपोनेंट लिखा होगा। अब उसको स्केमेटिक में देखेंगे, मोबाइल के स्केमेटिक में, तो पता चलेगा कौन सी उसकी वैल्यूज है। ठीक है, अब ये रेसिस्टर प्रैक्टिकली इसको और डीप में देखते हैं बाद में, इसका वैल्यूएशन क्या होता है सर्किट। लेकिन ये रेसिस्टर काम कैसा करते हैं, तो कि सीरीज और पैरेलल में होते हैं, सीरीज और पैरेलल में लगे हुए होते हैं। इसका कैलकुलेशन हम यहाँ देखते हैं, इसको और डीप में बाद में समझाता हूँ। देखो यहाँ पर 16 वाट है, 10 वाट दिया हुआ है, ठीक है, 16 वाट दिया हुआ है यहाँ पर, 16 वाट में करंट पास कर रहा हूँ 8 ओम्स में, और यहाँ से रिटर्न आ रहा है प्लस और माइनस। ठीक है, अब इसमें ओम्स लो होता है, ओम्स लो ये थोड़ा याद रखना जैसा है। ओम्स लो मतलब क्या, सपोज मुझे आई पता है, वी आई आर, आर मतलब क्या, रेसिस्टेंस, आई मतलब एम्पियर, वी इज इक्वल टू वोल्टेज, V इज इक्वल टू वोल्टेज करंट और एस, इसको करंट भी बोलो या एम्पियर भी बोलो, और रेसिस्टेंस। अगर हमको कोई एक चीज का पता है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अभी यहाँ हमको क्या पता है, 16 वोल्ट, हाँ ये क्या है, 16 वोल्ट इज इक्वल टू क्या है, ये V है, ये R है, I नहीं पता है हमको, क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, उसका कैलकुलेशन में क्या जवाब आया, 2, तो करंट इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 एम्पियर अंदर घूम रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है, कम है। अगर मैं 100 ओम्स का रेसिस्टर लगा देता तो क्या होता, एम्पियर कितना हो जाता, 8 की जगह पे 100 कर देता तो क्या होता है, 0.16 ओम्स, ठीक है, 0.16 एम्पियर हो जाता, मिली एम्पियर। इस तरह इसका कैलकुलेशन होता है। या आपको ये पता हो तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी इज इक्वल टू आई आर, जो भी कैलकुलेशन आपके पास कोई दो वर्ड है और तीसरा नहीं पता है तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ओम्स। हाँ ये जो भी है, ये फाइंड करना तो ये फाइंड करना तो ये फाइंड करना तो ये, यूं ही देख लेने का, दिख रहा है, इस हिसाब से देख सकते। व्हाट इज द वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज कभी भी जहाँ हाई है दूसरी जगह लो है वहाँ से वहाँ फ्लो होगा। जैसे पानी की टंकी ऊपर एक नीचे है, तो वाटर फ्लो किन सी तरफ होगा, नीचे, तो ये क्या है तुम्हारा प्लस, ये क्या है माइनस, तो ये ए बी है, ये जो हमारा वायर है वहां से करंट का फ्लो हो रहा है। तो जहां भी आपका हाई है, जैसे बैटरी है, तो बैटरी में एक तरफ क्या हमारा प्लस, एक तरफ माइनस, तो प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस, माइनस, कोई भी लूप में से जाए, पूरा का पूरा रिटर्न नहीं जाना चाहिए, यूज होके जाना चाहिए, उसको बोलते हैं वाटर वोल्टेज। ठीक है, अब करंट किसको बोलते हैं, जो करंट अंदर से फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, करंट, करंट, करंट जो अंदर से फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, करंट। और रेसिस्टेंस मतलब जो अंदर अवरोध कर रहा है, रेसिस्टिविटी कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। करंट के फ्लो मेजर करना है तो हमको क्या चाहिए, कितना वोल्टेज जा रहा है और कितना रेसिस्टेंस करता है, उससे हमको क्या पता चलेगा, करंट, करंट के फ्लो। या अगर फ्लो पता है करंट नहीं पता है तो हम ये कर सकते हैं कितना अवरोध हो रहा है, रेसिस्टेंस कितना हो रहा है, या हमको वोल्टेज फाइंड करना हो तो ये 200 भी हम वोल्टेज फाइंड कर सकते, उसका कैलकुलेशन ये। सपोज V इज इक्वल टू 9 वॉट है, I इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर है, ने रेसिस्टेंस ढूंढना है, तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या करेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो 9 डिवाइड बाय 03 मिली एम्पियर, मतलब इसको शॉर्ट में कितना लिखेंगे, 0.03 एम्पियर, तो इसके द्वारा लिखेंगे 0.03 एम्पियर, तो उसका वैल्यू क्या हुआ, रेसिस्टेंस 300 ओम्स। ये कहाँ यूज होगा, डायोड, तो डायोड में अगर करंट कम करके देना है तो ये हिसाब से इसका कंजम्पशन है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं। देखो तीन रेसिस्टर लगाए, 68 ओम्स, 3 ओम्स, 12 ओम्स, तीन रेसिस्टर किस कौन सी लाइन में लगी है, सीरीज, सीरीज, ओके, तो ये सीरीज में लगा हुआ है, V1, V2, V3, यहाँ पर वोल्टेज एक ड्रॉप होगा, वोल्टेज एक दूसरा ड्रॉप होगा, वोल्टेज तीसरा ड्रॉप होगा, ओवरऑल कितना एम्पियर खाता है वो यहाँ पर बता दिया, I इज इक्वल टू 0.1445। कैसा कैलकुलेशन करा, कैलकुलेशन कैसा करेंगे, देखो यहाँ पर कितना ओम्स है, 68, यहाँ पर क्या है, 3 ओम्स, यहाँ पर कितना है, 12 ओम्स, तभी ये रेसिस्टर पैरेलल सीरीज में लगाया तो कितना हुआ, हाँ 83 ओम्स।
अपने जस्ट कैलकुलेशन करते हैं ओवरऑल एम्पियर कितना खाता है, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में कितना खा रहा है वो 83 ओम्स है। यहाँ पर कितना वोल्टेज है, यहाँ पर जीरो। अब ये 83 ओम्स है, रेसिस्ट करता है, टोटल वैल्यू उसकी कितनी भी 83 ओम्स। तो एम्पियर ढूंढना तो मैं क्या करूँगा, आई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू वी आर, वोल्टेज इन रेसिस्टेंस। ओके, अगर ये आई ढूंढना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वी अपॉन आई। इसका यहाँ कैलकुलेशन है, आई ढूंढना हो तो वी अपॉन आर। तो आई हमको यहाँ आई ढूंढना है, आई कितना है तो वी अपॉन आर। तो 12 / 83 इसका आंसर क्या आता है, 0.1445। ये क्या हुआ तुम्हारा आई, ओवरऑल आई कितना हुआ, 0.14458। बराबर समझ में आ रहा है, ये इसका कैलकुलेशन, यहाँ 12 वोट है, यहाँ 0 वोट है। तो ओवरऑल एम्पियर कितना हुआ इसका, आई 0.14। अब यहाँ पर तीन अलग अलग रेसिस्टेंस क्यों लगाए, वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पर अगर मेरे को 2.1969 चाहिए तो ये यहाँ पर 2.169 होगा, कहीं पर 1.7 जाए तो वो वैल्यू के हिसाब से लगाएंगे, यहाँ पर 0 है। यहाँ ओवरऑल तीनों का प्लस करके हमने कैलकुलेशन करा तो आई क्या आया, ये। अब ये आई को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो जानना है तो किसा जानेंगे, यहाँ पर वी इज इक्वल टू आई आर करेंगे, तो उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर आई क्या है, ये मल्टीप्लाई बाई ये करेंगे। यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज एक का ड्रॉप कितना हो रहा वो करना है, तो वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ वी इज इक्वल टू क्या है, आई क्या है 0.14 समथिंग है, मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू क्या है 68। इज इक्वल टू कितना यहाँ ड्रॉप होगा, मैथमेटिक्स में करेंगे, अपने को बनाना नहीं है सर्किट, लेकिन एक समझना है तीन सर्किट है तो बीच में कितना ड्रॉप हो रहा है अंदाज अप्रोक्सीमेटली। हाँ, वी डोंट हैव टू मेक द सर्किट्स, सो यहाँ पर हमको समझना है, ठीक है। तो 68 3 ओम्स, देखो ये कम है तो यहाँ कितना करंट ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ 12 है तो कितना हो रहा है 1.7, यहाँ 68 हो तो कितना करंट ड्रॉप हो रहा है। तो जितना रेसिस्टेंस ज़्यादा है उतना करंट का रेसिस्टिविटी होगी, ब्रेक करेगा करंट को, ठीक है। ये तुम्हारा सीरीज है, ये आपका पैरेलल है, देखो 1 2 3 पैरेलल है। अगर ये सब का टोटल करने जाओ तो कितना हुआ टोटल, बड़े बड़े रेसिस्टर लगाए लेकिन इसका ओवरऑल देखो, यहाँ 5 ओम है, यहाँ 30 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है, तो ओवरऑल टोटल कितना हुआ 1.R1 + R2। इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हुआ 3 ओम। ओके, तो ये तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन हुआ, ये सीरीज कनेक्शन। तो अपने प्रैक्टिकल देख के पता चलेगा, ओके। ये देखो यहाँ भी दिया हुआ एक बड़ा, जो यहाँ ही देख लेते हैं, ये 9 वाट दिया मैंने सर्किट, इसको अपना प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 9 वाट दिया है, एक 100 ओम्स का रेसिस्टर है, एक 50 ओम्स का रेसिस्टर है, 10 ओम का रेसिस्टर। हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल मतलब ये ट्रेनर किट में देखेंगे, सिम्युलेटर में। यहाँ पर पूरा करंट आ रहा है, एम्पियर मेजर करना हो तो क्या करना पड़ता है, एम्पियर मीटर को लूप में लगाना पड़ता है, एक वायर उसमें से मीटर में से होके जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर मीटर। और वोल्टेज मीटर क्या होगा, यहाँ यहाँ वोल्टेज चेक करना हो तो वोल्टेज मल्टीमीटर। तो एम्पियर चेक करना हो तो करंट को किस में से पास करना पड़ेगा, मल्टीमीटर में से पास करना पड़ेगा, एम्पियर की फिगर में से, तो वो एम्पियर बताएगा। तो यहाँ पर हमने 100 ओम्स, 50 ओम, 10 ओम्स का रेसिस्टर लगाया हुआ है, 100 ओम, 50 ओम, 10 ओम, और यहाँ पर कितना वोल्टेज है 9 वोल्ट, इसका टोटल कितना हुआ 160 ओम। तो अगर हमको एम्पियर ढूंढना हो तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो 9 अपॉन कितना हुआ 160, तो एम्पियर कितना मिला 0.0156। तो ओवरऑल सबका मिला के एम्पियर कितना हुआ, ये हुआ। अब यहाँ पर सब वैल्यूएशन देखना है अलग अलग ड्रॉप, तो उसको इसके हिसाब से कैलकुलेशन।